हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं, जो देख सकते हैं आप। सारे इंग्रेडिएंट हमने रखे हुए हैं। आलू बॉयल्ड है, इसको हमने चॉप कर लिया है। आप कच्चा आलू भी ले सकते हैं। और ये सोया चंक्स, जिनको हमने भिगो कर रखा था और इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। पालक और टमाटर, लाल मिर्च या हरी मिर्च, जैसी भी मिर्च आप खाएं, बहुत न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन और प्रोटीन सभी भरपूर मात्रा में है। तो ये देखिए, हमने बेसन ले लिया है एक बाउल। इसका अब हम बैटर बनाएंगे, लंग्स फ्री, हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए, ठीक ही बनाएंगे। क्योंकि अभी देखिए क्या करते हैं, तो इस तरह से हम बैटर बना लेंगे इसको अच्छे से, और बैटर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बन गया है हमारा बैटर, बन करके रेडी है। तो इसमें अब हम सारे इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे। देखिए कि चॉप किया हुआ टमाटर, मिर्च, उनको हम डाल लेंगे, और डालेंगे इसमें जो हमने नींबू रखा था, लेमन एक स्पून के करीब, वो भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर कुछ खट्टा में, जैसे अमचूर पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं। आलू, सोयाबीन की बरी या जंग्स, जो भी आप कहते हो, मिक्स करेंगे इसको। पालक बाद में ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पालक। तो देखिए, इसमें पानी वगैरह होता है, तो कितना अच्छे से हो गया है। इसमें डालेंगे मसाले, धनिया पाउडर, और डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार, और डालेंगे गरम मसाला। इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा मसाले इसमें हम नहीं यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। तो आप इसमें चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स वगैरह, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। कलर के लिए आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए, हम बच्चों के लिए बनाते हैं, तो हम ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पानी डालकर अब इसका हम घोल बना लेंगे बैटर। आप चाहें तो इसकी आप पकौड़ियों की तरह भी बना करके नाश्ता बना सकते हैं, और क्रिस्पनेस के लिए सूजी या चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। हम नहीं मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, पानी हमने एक ग्लास लिया हुआ था, 5 से 6 स्पून पानी बचा है, बाकी सारा पानी लग गया है इसमें, आप देख सकते हैं। इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो 10 मिनट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। अब इसे हम बनाएंगे चल के। तो देखिए, हमने अपना पैन ले लिया है। आप नॉन स्टिक पैन पर भी बना सकते हैं, और आयरन के तवे पर भी बना सकते हैं। तो देखिए, देख लेंगे हीट प्रॉपर आ रही है, तो इस पर लगा दिया है ऑयल। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से तिल, जिससे कि थोड़ा सा देखने में अच्छा, लुकिंग अच्छी आए हमारे जो नाश्ते की। इस तरह से हम स्प्रिंकल कर देंगे तिल, और इसके ऊपर अब हम अपना रखेंगे नाश्ते वाला डो जो बना के रखा है। इसको ऐसे फैला देंगे अच्छे से, और इसे 5 मिनट धीमी फ्लेम पर, देखिए धीमी फ्लेम पर हमें पकने देना है। तो 5 मिनट इस तरह से हम ढक करके इसे कुक होने देंगे। जब ऊपर की सतह ड्राई हो जाएगी, तब समझ लेना है कि हमारा ये कुक हो गया है। अब देखिए, ऊपर की ड्राई हो गई। अब इस पर लगा देंगे हम ऑयल, और फिर इसे हम पलटने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इस तरह से पता चल जाता है कि हमारा कुक हो गया है, क्योंकि हिलाने पर हिल रहा है। तो ये देख सकते हैं, अच्छे से कुक हो चुका है, स्पॉट पड़ चुके हैं अच्छे से। तो एक साइड सीखने में लगभग 5 मिनट लगते हैं, दूसरे साइड सीखने में भी लगभग 5 मिनट लगेंगे। और इसे चाहे तो आप दबा दबा करके सेक सकते हैं, या ऐसे ही सेक सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बनता है। इसकी जगह पर आप अगर इनो डालना चाहते हैं, तो इनो या बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा नाश्ता हमारा फ्लफी और फुला फुला बनेगा। तो ये देखिए, दोनों साइड में हमने देखा दिया आपको कि पलट कर कि कितना अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो देखिए, बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी नाश्ता बना है। बच्चे पालक वगैरह नहीं खाते, बीन्स वगैरह नहीं खाते, मगर इस तरह से नाश्ते में बना कर देंगे ना, तो वो बच्चे खाएंगे इस तरह से नाश्ते में। तो ये आप टिफिन फ्रेंडली भी है, अगर आप टिफिन में रख देते हैं तो वो बच्चे खा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से एक दूध की जाली सबके यहाँ होती है, इस तरह से नाश्ता निकाल कर रख लेंगे। अभी हम आगे चल के दिखाएंगे कि इस तरह से हमने नाश्ता क्यों रखा है, जिससे कि ये ख़राब ना हो। देखिए, फिर से वही प्रोसेस करना है, ऑयल लगाना है, तिल स्प्रिंकल करने हैं, और डाल देना है अपना बैटर। तो इसी तरह से हम सारे बैटर बना करके, आप इसे चीला भी बोल सकते हैं, और वेजिटेबल चीला तो वो भी बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। देखिए, इसमें तिल हमने ऊपर से ही स्प्रिंकल कर दिए हैं, जिससे कि डालते समय हट जाता है, तो ये चिपक जाएगा इसके ऊपर तिल, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो फिर इसे वैसे ही ढक कर के पका लेना। तो देखिए, सारे के सारे
कुक होगा। देखिए इस तरह से हमने इसीलिए रखा था कि जाली पर रखने से ये हमारे जो सौगी से नहीं होंगे, जो भाप बनी थी जिससे पानी आ गया था प्लेट में, तो इसे हम पोंछ कर हटा देंगे और हमारे बिल्कुल सॉफ्ट रखे रहेंगे वैसे ही। तो देख सकते हैं कितने प्यारे नाश्ते और इतने हैवी हैं कि एक जो भी एक खा ले उसका पेट सारा दिन भरा रहा है। देखिए ऊपर से डालने पर तिल कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये टेस्टी हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। इसको हम कट करके भी दिखाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। ये देख सकते हैं इस तरह से कट करके, देखिए आप पिज़्ज़ा की तरह भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है, आप देख सकते हैं, और कहीं से भी कच्चा नहीं है, हर जगह से ये कुक्ड है। तो बहुत टेस्टी बहुत यम्मी इस तरह से हेल्दी नाश्ता अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने आप भी खाएं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मैसेज करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।